कैंसर में सुई डाल के या उसका टुकड़ा लेके बायोप्सी होती है, ये सब लोग जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि एक ब्लड सैंपल से भी कैंसर की बायोप्सी की जा सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम कैंसर बायोप्सी के बारे में काफ़ी बार बात करते हैं, और रेगुलर व्यूअर्स इस पॉइंट पर अच्छी तरह जानते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट से पहले कैंसर की बायोप्सी इंपॉर्टेंट है और कंप्लीटली सेफ है, और इससे कैंसर फैलने का कोई रिस्क नहीं होता। बट एक आज के दिन एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो धीरे धीरे कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल होने लग गई है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड बायोप्सी यानी कि खून से बायोप्सी। और ये नई टेक्नोलॉजी ओवर टाइम और भी ज़्यादा छोटे छोटे शहरों में भी एक्सेसिबल होने लग गई है, और इसका कॉस्ट ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। तो कॉमनली हमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरीज से डील करना पड़ता है कि क्या लिक्विड बायोप्सी हम एक अपने कैंसर में कर सकते हैं क्या, और ये किस सिनेरियो में यूज़फुल है, किस सिनेरियो में नहीं यूज़फुल है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो लिक्विड बायोप्सी के बारे में समझने के लिए वीडियो से जुड़े रहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं कि लिक्विड बायोप्सी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, लिक्विड बायोप्सी जैसे नाम से पता चलता है, मतलब है कि तरल यानी खून से बायोप्सी। तो लिक्विड बायोप्सी का बेसिक फंडा ये है कि हम बॉडी में कैंसर जो चाहे कहीं पर भी हो उसका प्रेजेंस एक ब्लड सैंपल से डिटेक्ट या उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होती है कि बॉडी में चाहे कहीं भी कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट में हो, लिवर में हो, किडनी में हो, बोन में हो, चाहे कहीं पे भी हो, वो कैंसर एक ब्लड सप्लाई अपने साथ रखता है और कैंसर को ब्लड सप्लाई मिलता रहता है। और कैंसर के अंदर जो कैंसर सेल है वो उस कैंसर से टूट के ब्लड में शेड होते रहते हैं, और उस कैंसर सेल को या फिर उस कैंसर से अंदर निकले हुए DNA को आज के दिन टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है जो उसको डिटेक्ट कर सकती है। तो फॉर एग्जांपल, सपोज किसी आदमी को लंग के अंदर एक गांठ है, वो कैंसर है, तो चाहे वो ट्यूमर 2 सेंटीमीटर का ही हो, डेटा ये कहता है कि वो 2 सेंटीमीटर के ट्यूमर में जब कैंसर सेल्स की डेथ होती है तो उनका DNA निकलता है जो ब्लड में सर्कुलेट करता रहता है, जिसको पोटेंशियली हम डिटेक्ट कर सकते हैं। या फिर कुछ कैंसर सेल जो ट्यूमर की एच पे होते हैं वो फिसल के ब्लड में गिर जाते हैं, और इन सेल्स को भी हम ब्लड सैंपल के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं, और इस टेक्नोलॉजी को लिक्विड बायोप्सी बोलते हैं। लिक्विड बायोप्सी में ब्लड में वेरियस पदार्थों को डिटेक्ट कर सकते हैं। आज के दिन जो सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विड बायोप्सी के 2 टेक्निक है, एक को हम बोलते हैं सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल या CTC, जो कि एक पूरा कैंसर सेल है जो ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, और दूसरे को हम बोलते हैं सेल फ्री DNA या CFDNA या CDNA, जो कि कैंसर सेल का शेड DNA है जो ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है। तो आज के दिन जेनेटिक टेक्निक्स अवेलेबल है जिससे इस ब्लड सैंपल को या तो सेल को निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे फाइंड कर सकते हैं, या सर्कुलेटिंग DNA को एक स्पेशल मशीन जिसको सिक्वेंसर या एम्पलीफायर बोलते हैं, उस कैंसर के DNA को कई गुना एम्पलीफाई करके उसको रीड और डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसी टेक्निक को लिक्विड बायोप्सी बोलते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि लिक्विड बायोप्सी के पेशेंट को फ़ायदे या एडवांटेजेस क्या है। तो फ्रेंड, लिक्विड बायोप्सी के 2-3 इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है जो टिश्यू बायोप्सी से कंपेयर नहीं होते। नंबर 1, देखो, ब्लड सैंपल लेना बहुत आसान है, जबकि बॉडी में हर जगह पर टिश्यू सैंपल लेना आसान नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, सपोज किसी का एक छोटा सा ट्यूमर है जो लंग के डीप इंटीरियर में अवेलेबल है, तो हो सकता है कि उस ट्यूमर की बायोप्सी करना बहुत मुश्किल हो, और कोई भी सुई या कोई भी प्रोब उस ट्यूमर तक नहीं जा सकता है, पर बॉडी का ब्लड हर तरफ जाता है। तो जिन सिचुएशन में ट्यूमर का टुकड़ा लेना डिफिकल्ट है या टेक्निकली इम्पॉसिबल है, उसमें लिक्विड बायोप्सी का एक एज है, क्योंकि आप ब्लड से उस ट्यूमर को या ट्यूमर के DNA को निकाल सकते हो जिस इनएक्सेसिबल जगह पे आप बायोप्सी लेना मुश्किल है या डेंजरस है। नंबर 2, लिक्विड बायोप्सी में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं कि हेट्रोजेनिटी। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि फ्रेंड्स, सपोज कि बॉडी में किसी को कैंसर का एक टुकड़ा शुरू हुआ जो कि लंग में स्टार्ट हुआ, और बाद में वो टुकड़ा फैल के बोन में चला गया या लिवर में चला गया या ब्रेन में चला गया, तो क्या होता है कि जब भी ट्यूमर एक जगह से फैल के दूसरी जगह जाते हैं उससे एसोसिएटेड जेनेटिक चेंजेस होते हैं जो उसको फैलने के काबिल बनाते हैं। तो सपोज हम पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए जानना चाहते हैं कि इस ट्यूमर में क्या जेनेटिक डिफेक्ट है, तो यदि हम एक जगह से बायोप्सी लेते हैं तो उसे प्रॉब्लम क्या आती है कि सिर्फ जिस जगह से हमने बायोप्सी ली है सिर्फ उसी पॉइंट के इंपॉर्टेंट जेनेटिक चेंजेस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जबकि ब्लड में जो DNA शेड होता है वो यहाँ से भी शेड होगा, बोन से भी शेड होगा, लिवर से भी शेड होगा, किडनी से भी शेड होगा, सब जगह से शेड होगा। तो एक मोर कंप्लीट पिक्चर की ट्यूमर के जेनेटिक्स की हम पा सकते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को ट्यूमर हेट्रोजेनिटी बोलते हैं। तो ट्यूमर हेट्रोजेनिटी की कॉन्सेप्ट से यदि हम चले तो ये वैलिडेट करता है कि फैले हुए कैंसर में खासकर एक बायोप्सी से कंपेयर्ड यदि हम लिक्विड बायोप्सी ले
तो उसमें ट्यूमर की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कंप्लीट और ज़्यादा अच्छी तरह मिलेगी, और आइडियली इसको टिश्यू के टेस्ट के साथ कंबाइन करके हम मोर कंप्लीट पिक्चर पा सकते हैं। और थर्ड कॉन्सेप्ट होती है जो लिक्विड बायोप्सी का फॉलोअप है, वो है फॉलोअप। तो फॉलोअप की कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज किसी को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लंग कैंसर है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप की जेनेटिक म्यूटेशन है, और हम चाहते हैं कि उस पेशेंट के जीन्स को हर 3 महीने या 6 महीने चेक करें कि ओवर ट्रीटमेंट या जीन्स कैसे चेंज हो रहे हैं, नई म्यूटेशन आ रही है, ओल्ड म्यूटेशन दब रही है, क्या हो रहा है। तो हर 3 महीने बायोप्सी करना पेशेंट के लिए डिफिकल्ट और अनसेफ और कॉस्टली रहता है। तो ऐसे केस में सीरियल लिक्विड बायोप्सी से हम इन्हीं जेनेटिक म्यूटेशंस को लोअर कॉस्ट और बिना पेशेंट को तंग करे ब्लड सैंपल से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो थर्ड इंपॉर्टेंट एडवांटेज लिक्विड बायोप्सी का होता है फॉलोअप। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ऑब्वियसली आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि सर लिक्विड बायोप्सी का तो बहुत सारे एडवांटेजेस है, तो हम हर पेशेंट के लिक्विड बायोप्सी क्यों नहीं कर देते, क्यों हम पेशेंट को बायोप्सी करते हैं या ट्यूमर का टुकड़ा लेते हैं, क्यों नहीं हर पेशेंट के लिक्विड बायोप्सी से ट्रीट करें जब इसके इतने सारे एडवांटेजेस है। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड बायोप्सी के 2-3 डिसएडवांटेजेस भी है जो हमें बड़ा ही ध्यान से रख के आगे चलना पड़ता है, और सिर्फ सेलेक्टेड केसेस में लिक्विड बायोप्सी का यूज़ किया जाता है। तो लिक्विड बायोप्सी के जो मेजर डिसएडवांटेजेस है वो 2 है। नंबर 1 ये है कि लिक्विड बायोप्सी पे आप सारे टेस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, सपोज अगेन किसी का लंग कैंसर का एग्जांपल लेते हैं, यदि हम किसी का लंग कैंसर का टिश्यू बायोप्सी लेते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं, तो हम सेल्स का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, सेल्स का अरेंजमेंट देख सकते हैं कि वो कैसे कैंसर में अरेंज्ड है। एक टेस्ट होता है, इसको इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बोलते हैं, जिसे हम सेल का नेचर डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई सेल का सेल ऑफ ओरिजिन क्या है, वो टिश्यू पे कर सकते हैं पर लिक्विड पे नहीं कर सकते, और साथ ही सेल्स की जेनेटिक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, यदि हम इसी पेशेंट के लिक्विड बायोप्सी करते हैं, तो ब्लड में हालांकि हो सकता है हमें सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल तो मिल जाए, पर ना तो हम उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि दूसरे सेल्स के अरेंज से कैसे कन्फिग्रेशन में है, ना ही उसकी हम स्टेनिंग कर सकते हैं, ना ही उसकी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, और उस सेल का अल्टीमेटली ट्यूमर के ओवरऑल कंटेक्स्ट में क्या रोल है वो डायग्नोसिस करना मुश्किल होता है। हालांकि उस सेल की हम जेनेटिक टेस्टिंग ज़रूर कर सकते हैं, पर जेनेटिक टेस्टिंग के भी अपने लिमिटेशन है, जो कि हम नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। सेकंड, लिक्विड बायोप्सी कॉमनली जेनेटिक टेस्टिंग के लिए किया जाता है, देखने के लिए कि कैंसर के सेल के अंदर किस तरह की जेनेटिक म्यूटेशन है और वो ट्यूमर को कैसे ग्रो करा रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि लिक्विड बायोप्सी की जेनेटिक म्यूटेशन के लिए भी एक्यूरेसी कम है। इन जनरल हम कहते हैं कि यदि कोई म्यूटेशन टिश्यू में 100% डिडक्टेबल है, तो लिक्विड में वही म्यूटेशन का डिडक्शन रेट अराउंड 30% लोअर है। तो इन एक्चुअलिटी हर पेशेंट जिसकी जेनेटिक म्यूटेशन टिश्यू में है वो लिक्विड में नहीं मिलती है। तो इसके मेन रीज़न 2 है। एक तो हर कैंसर सफिशियंट अमाउंट ऑफ DNA अपने ब्लड के अंदर शेड नहीं करता है, तो उसको हम सैंपल से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, कुछ स्पेशल तरह की जेनेटिक म्यूटेशन है जिनको हम बोलते हैं फ्यूजन RNA एम्प्लीफिकेशन या DNA एम्प्लीफिकेशन, जो कि लिक्विड बायोप्सी में डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, टेक्निकली डिफिकल्ट है, और कॉमनली ये मिस हो जाती है। और चूंकि आज के दिन जेनेटिक म्यूटेशन ही डिसाइड करती है कि पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, यदि हम पेशेंट का सिर्फ लिक्विड बायोप्सी करें तो बहुत हाईली पॉसिबल है कि पेशेंट की इंपॉर्टेंट जेनेटिक म्यूटेशन मिस हो जाएगी। इसीलिए लिक्विड बायोप्सी कोई रामबाण नहीं है, हर पेशेंट में ब्लाइंडली यूज़ करने वाली चीज़ नहीं है, बड़ी केयरफुली नुएंस के साथ लिक्विड बायोप्सी यूज़ की जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज लिक्विड बायोप्सी का है उसका हाई कॉस्ट। देखिए, टिश्यू बायोप्सी लेना आसान है, बस टुकड़ा ले लो, माइक्रोस्कोप से चेक कर लो, स्टेनिंग कर लो, टेस्टिंग के लिए भेज दो। तो टिश्यू बायोप्सी इज़ रिलेटिवली चीपर एंड ईजियर, जबकि लिक्विड बायोप्सी के लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, सोफिस्टिकेटेड मशीन और साइंटिफिक एक्सपर्टीज चाहिए, जो कि उस कॉम्प्लेक्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर सके। तो जो टिश्यू बायोप्सी कुछ हज़ार रुपये में हो जाती है, वही बायोप्सी यदि हम लिक्विड से करें तो उसका कॉस्ट एनीवेयर फ्रॉम 30,000 to 3 lakhs के करीब होता है। तो ये एक एक्सपेंसिव टेस्ट है। तो सॉलिड बायोप्सी इज सिंपल एंड चीप टेस्ट, एंड लिक्विड बायोप्सी इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टेस्ट। तो ये 3 मेन डिसएडवांटेजेस की वजह से लिक्विड बायोप्सी हर पेशेंट में हम रूटीनली नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं कि चलो, हमने आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बता दिया, आज के दिन यानी 2024 में हम ऑन्कोलॉजी में लिक्विड बायोप्सी को किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और किस चीज़ के लिए नहीं यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के दिन लिक्विड बायोप्सी का इंपॉर्टेंट यूजेस क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो लिक्विड बायोप्सी का आज के दिन वो होता है, वो उन पेशेंट में होता है जिनमें टिश्यू बायोप्सी डिफिकल्ट है या नॉट पॉसिबल है और हमें इंपॉर्टेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो क्लासिकल एग्जांपल लंग कैंसर है। यदि हम हमारा लंग कैंसर का वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आज के दिन बिना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लंग कैंसर का ट्रीटमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और यदि सपोज पेशेंट को कोई छोटा ट्यूमर है, इसको एक्सेस करना डिफिकल्ट है, या जिसकी टिश्यू बायोप्सी नहीं कर पा रहे हैं, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है।
तो इस सिनेरियो में लिक्विड बायोप्सी बड़ा वैल्यूबल है, क्योंकि ट्यूमर की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, हालांकि हो सकता है वो सॉलिड बायोप्सी जितना एक्यूरेट ना हो, बट स्टिल ट्यूमर की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हम लिक्विड बायोप्सी से पा सकते हैं और पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। तो जिन पेशेंट में बायोप्सी इम्पॉसिबल है या डिफिकल्ट है या अनसेफ है, उसमें लिक्विड बायोप्सी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। नंबर टू, ट्यूमर हेटरोजेनिटी। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, यदि पेशेंट के मल्टीपल ट्यूमर साइट्स है बॉडी में और हमें एक कंबाइंड पिक्चर चाहिए कि अलग अलग साइट पर किस तरह के जीन्स एक्टिवेट है और कैसे ट्यूमर को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, उस केस में लिक्विड बायोप्सी यूजफुल है, क्योंकि आप ऑब्वियसली 10 साइट पर बायोप्सी नहीं कर सकते। तो यूजली ऐसे केस में टिश्यू और लिक्विड बायोप्सी दोनों की जाती है और इस इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके एक टोटल पिक्चर ऑफ जेनेटिक हेटरोजेनिटी निकाली जाती है। ये हर केस में ज़रूरत नहीं पड़ता, पर कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में जेनेटिक हेटरोजेनिटी के लिए काउंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और नंबर थ्री, एडजुवेंट थेरेपी डिसाइड करने के लिए। तो रिसेंटली कुछ रिसर्च ये कहती है कि सपोज कोई पेशेंट है, उसके पेट में मान लो सपोज ट्यूमर है और अपने ऑपरेट करके पूरे ट्यूमर को निकाल दिया, तो लिक्विड बायोप्सी से हम ये जज कर सकते हैं कि बीमारी के वापस आने का रिस्क या वापस आने का चांस कितना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेस्ट कुछ सर्टन वैलिडेटेड हाई क्वालिटी टेस्ट के वाया ही किया जाना चाहिए। और यदि लिक्विड बायोप्सी में ट्यूमर डीएनए पॉजिटिव आता है, तो ऐसे केस में पेशेंट को कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी दी जाती है उस ट्यूमर डीएनए को एलिमिनेट करने के लिए, ताकि बीमारी वापस ना आए। तो हालांकि ये हर कैंसर में नहीं किया जाता, इस समय इसका डेटा मेनली आंत के कैंसर में है, पर अक्रॉस मल्टीपल ट्यूमर टाइप एक्सटेंसिव रिसर्च चल रही है और ये एक्सपेक्टेड है कि जल्द ही ऑलमोस्ट सारे कैंसर टाइप्स में लिक्विड बायोप्सी का इस्तेमाल किया जा पाएगा ट्यूमर का एडजुवेंट थेरेपी देना है या नहीं देना वो डिसाइड करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक रिसर्च फील्ड है, हर ट्यूमर में पॉसिबल नहीं है, तो इस इंडिकेशन को केयरफुली अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस करके सिर्फ तभी लिक्विड बायोप्सी का यूज़ करना है एडजुवेंट वर्सेज नॉट एडजुवेंट यूज़ करने के लिए। हर कैंसर में लिक्विड बायोप्सी नहीं यूज़ कर सकते एडजुवेंट वर्सेज नॉन एडजुवेंट डिसाइड करने के लिए। तो फाइनली एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आज के दिन यानी जनवरी 2024 में लिक्विड बायोप्सी का इस्तेमाल किन चीज़ों के लिए नहीं किया जाता। तो क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली पेशेंट क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, लिक्विड बायोप्सी का यूज़ आज के दिन रूटीनली डायग्नोसिस के लिए नहीं किया जाता। तो फॉर एग्जांपल सपोज किसी आदमी को लिवर में गांठ है या ब्रेस्ट में गांठ है या माउथ में गांठ है, तो पेशेंट पूछते हैं कि सर मुझे टिश्यू बायोप्सी नहीं करानी, आप मेरा लिक्विड बायोप्सी से डायग्नोस कर दो। आई डोंट वांट टू डू टिश्यू बायोप्सी, आप लिक्विड बायोप्सी करके डायग्नोस कर दो। तो फ्रेंड्स, आज के दिन लिक्विड बायोप्सी फॉर डायग्नोसिस वैलिडेटेड नहीं है, मतलब इस टेक्नोलॉजी को एस्टैब्लिश करके प्रूव नहीं किया गया है कि इस लिक्विड बायोप्सी के बेस पर डायग्नोसिस कर सकते हैं। हालांकि एक रिसर्च सब्जेक्ट है जो कि ऑनगोइंग है। तो आज के दिन अभी भी हर कैंसर पेशेंट में एक टिश्यू बायोप्सी मैंडेटरी है, ताकि कैंसर का डायग्नोसिस बन सके और उसकी ट्रीटमेंट शुरू करी जा सके। और नंबर टू, लिक्विड बायोप्सी का यूज़ स्क्रीनिंग में नहीं किया जाता। तो स्क्रीनिंग का मतलब यह है सर कि मान लो कोई नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल आदमी है, मैं हूँ, आप हो, वो बोल सकते हैं कि सर लिक्विड बायोप्सी बड़ा एक्यूरेट टेस्ट है, आप मेरे ब्लड में से सैंपल निकाल लो, उसमें कैंसर डीएनए या सर्कुलिंग ट्यूमर सेल की जांच कर लो, और अगर सेल पॉजिटिव है तो मेरे को कैंसर जल्दी पता चल जाएगा और फिर मैं अपना पेट स्कैन करा के उसका इलाज करा लूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के दिन भी लिक्विड बायोप्सी स्क्रीनिंग के लिए नहीं इंडिकेटेड है। रीज़न ये है कि लिक्विड बायोप्सी का एक्यूरेसी अभी के दिन भी लो है। तो फॉर एग्जांपल सपोज इससे फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो फॉल्स नेगेटिव का मतलब यह है कि पेशेंट को कैंसर है, पर हमने ब्लड सैंपल किया, ब्लड सैंपल लिक्विड बायोप्सी में कुछ आया नहीं, और बाद में पता चला कि एक्चुअली पेशेंट को कैंसर था और हमने वो मिस कर दिया और वो स्टेज वन से धीरे धीरे बढ़ के स्टेज फोर पर पहुंच गया, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव, जो कि लिक्विड बायोप्सी में जैसे हमने पहले डिस्कस किया 30-35% होता है। तो नंबर वन कॉज ये है। नंबर टू है, फॉल्स पॉजिटिव भी लिक्विड बायोप्सी में होते हैं। तो ऐसा कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ टेस्ट लिक्विड बायोप्सी के जो कि एक्यूरेट या वैलिडेटेड नहीं है, चाहे किसी छोटी लैब का टेस्ट हो या एडिक्वेट रिसर्च नहीं हुआ है, उसे पेशेंट का सैंपल लेते हैं, उसको भेजते हैं, उसमें आता है कि कैंसर डीएनए पॉजिटिव है, पर पेशेंट के हम जी भर के टेस्ट करा लेते हैं, पेट स्कैन, एंडोस्कोपी, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन सब करा लेते हैं, बॉडी में कैंसर का कहीं भी कोई अंश नहीं मिलता, और 10 साल बाद ही पेशेंट को कैंसर नहीं होता। तो इस केस में क्या है कि टेस्ट की लो एक्यूरेसी की वजह से टेस्ट ने पॉजिटिव रिपोर्ट दे दी, जबकि असल में बॉडी के अंदर कैंसर नहीं है। तो आज के दिन जो लिक्विड बायोप्सी टेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, वो आज के दिन भी इतने एक्यूरेट नहीं है कि उनको यूज़ करके एक आम आदमी का कैंसर हम डायग्नोज या डिटेक्ट कर सके। हालांकि रिसर्च डायरेक्शन में चल रही है और मेरी उम्मीद है कि 3-4 साल में इतने एक्यूरेट लिक्विड बायोप्सी टेस्ट आ जाएंगे जो एक आम आदमी भी यूज़ करके अपना कैंसर फाइंड कर पाएगा। बट आज के दिन भी कैंसर का डिटेक्शन मेनली इमेजिंग, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और सॉलिड बायोप्सी से ही होता है, ना कि लिक्विड बायोप्सी से। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल आदमी की स्क्रीनिंग और कैंसर के डायग्नोसिस में
आज के दिन लिक्विड बायोप्सी यूज नहीं होती, पर कुछ सालों में ये टेक्नोलॉजी मैच्योर हो जाएगी और यूज लाइक हो जाएगी। तो आज के दिन लिक्विड बायोप्सी की बड़ी ही सिलेक्टेड यूजेस और सिलेक्टेड इंडिकेशंस है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली एक कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट टॉपिक के बारे में, जो है लिक्विड बायोप्सी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल का मेन पर्पज़ ये है कि वर्ल्ड का नंबर वन और बेस्ट कैंसर इलाज हमारे देश के पेशेंट्स को उनकी लैंग्वेज में मिले। और मिशन में हमसे जुड़ने के लिए चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इनफैक्ट इस वीडियो में एक बड़ा ही डिफिकल्ट टॉपिक डील किया और ऑब्वियसली आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। तो वीडियो में डिस्कस चीज़ों के अलावा कोई आपको क्वेश्चन है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से या वीडियो डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में आप अपना क्वेश्चन हमें डाल सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में DOA फ़ोन नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का सवाल का जवाब मैं जल्द से जल्द आपको दूँ। जल्दी मिलेंगे एक हाईली इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ कैंसर से रिलेटेड। थैंक यू।